Hello friends, this is Manas Kumar and this is episode 2nd of Advanced Cell Animal Cell Structure. In this we will see about structure of nucleus. Nucleus. This is called nuclear envelope. ये पोर्स है, पोर्स मतलब सीधा छेद टाइप का होता है, पोर्स मतलब छेद, ये है यानी न्यूक्लियर स्पेस, ये पैनी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा और रहता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अब ये पूरी तरह से क्रोमैटिन का बना हुआ था, क्रोमैटिन। पर क्रोमैटिन भी चार तरह का होता है। पहला जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर है उसको कहते हैं, उसको इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन। यहाँ पर जो होता है, जो उसके बाहरी सरफेस और इसके अंदरी सरफेस पे होता है उसको कहते हैं पेनी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। अब एक दो होता है, एक तो होता है जो कि दीवार से सटा हुआ हो, ये दीवार से सटा हुआ क्रोमैटिन, और एक हो गया इससे सटा हुआ क्रोमैटिन जो कि इससे सटा हुआ होता है। तो इन दोनों में, तो इस बाहर वाले को कहते हैं हेटरोक्रोमैटिन, और ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, इसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो होता है, इस दोनों का असल में ये दोनों एक पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। असल में ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल के ही चारों तरफ होता है, हर एक ऑर्गेनल्स के भी चारों तरफ होता है। कोई ऑर्गेनल मल्टी मेम्ब्रेन होता है, कोई सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर जो एक, इसके अंदर भी लिक्विड पार्ट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो क्रोमैटिन होता है एकदम लंबा 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 धारी का होता है, इस तरह से होता है क्रोमैटिन, और पूरा न्यूक्लियस इसी का बना हुआ होता है। अब क्रोमैटिन में होता है डीएनए, डीएनए के सेगमेंट्स को कहते हैं जीन्स। पर जब सेल डिवीजन होता है, ये जो क्रोमैटिन ये सुलझ करके इस तरह का बन जाता है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम, इस पूरे को कहते हैं क्रोमोसोम। ये ओरिजिनल होता है ओरिजिनल, और ये होता है इसका डुप्लीकेट, ताकि ये डुप्लीकेट होता है, ये ओरिजिनल होता है, फिर ये कट जाता है टू ट्रांसफर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन।
जो कि नया सेल बनेगा उसके पास। ये जो क्रोमोसोम है और जब ये सिंगल होता है तो इस सिंगल को बस कहेंगे क्रोमैटिड्स। यस क्रोमैटिड, जब सेल डिवीजन होता है तब ये इसको डुप्लीकेट करके अपने लिए बना लेता है। और उसके पहले लेकिन अगर सिर्फ एक रहे तो क्रोमैटिड्स कहेंगे इसको, अनरेप्लिकेटेड सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। और हर एक सेल में हमेशा सेंट्रोसोम का एक पेयर होता है जिसको डिप्लॉयड कहते हैं। जिस भी सेल में पेयर सेंट्रोसोम हो उसका डिप्लॉयड सेल कहते हैं। और वही अगर वो पेयर में नहीं हो, सिर्फ एक ही हो, सिंगल हो, यानी पेयर का आधा हो, उसको कहते हैं हैप्लॉयड। हैप्लॉयड, और जिस सेल के पास वैसा सेंट्रोसोम होता है उसको हैप्लॉयड सेल कहते हैं। अब न्यूक्लियस का बात आता है, तो न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है। पहला, इट कंट्रोल्स ऑल दी मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ सेल। इट कैरीज हेरी डिटी इंफॉर्मेशन। और तीसरा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल रिप्रोडक्शन के लिए, वो है इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। मतलब कि उसका सेल का सेल से एक साइकिल, क्योंकि एक सेल से रिप्रोड्यूस करके दूसरा सेल बनना, फिर उससे बन करके तीसरा चौथा बनना। तो इसी तरह यही काम था न्यूक्लियस का। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, वो क्या होता है, कैसा होता है, नहीं होता है। थैंक यू, हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।